आज हम हिमाचल से हरियाणा जाने वाले हैं, वहाँ का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है, वहाँ का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बद्दी का पुल टूट गया है जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच के रास्ते को जोड़ता है। हम कुछ बेरोजगार लोगों को भी दिखाएंगे, जब जेसीबी कार्य करती है तो एक जेसीबी कार्य करने में लगती है और 20 से 25 लोग उसे देखने में लग जाते हैं। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो बगल से रास्ता निकालना पड़ता है, वहाँ का रास्ता हम आपको दिखाएंगे। काफी पतला भी रास्ता है तो जाने में बहुत ही ज्यादा जाम का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा गाड़ियां जाम में लगी पड़ी हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आज के हमारे नए वीडियो में। इस समय हिमाचल प्रदेश बद्दी में है, बद्दी का पुल टूट गया था, वहाँ का दृश्य हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पुल टूटने की वजह से रास्ता बदल दिया गया है, तो बगल से लोग बहुत से लोग जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश में कार्य करते हैं, वो हरियाणा की तरफ जा रहे हैं जिनका घर हरियाणा में है। आप देख सकते हैं रोड पर काफी भीड़ भाड़ है, वहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जब कोई सदस्य किसी राज्य से दूसरे राज्य में आता है तो उनका टैक्स लिया जाता है, तो इन लोगों का स्वागत किया जाता है इस चैनल पर, और उन व्यक्तियों का जो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं। आप सामने देख सकते हैं टोल टैक्स है, यहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो उनसे टैक्स यहाँ पर वसूला जाता है, तभी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने दिया जाता है। यह बद्दी का पुल है जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, इस समय टूट गया, वहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इस पुल टूटने की वजह से बहुत ही पुराना पुल था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होने के वजह से टूट गया है, तो रास्ते को बदल दिया गया है, बगल से रास्ता निकाल दिया गया ताकि हिमाचल प्रदेश के लोग हरियाणा में जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जेसीबी लगा हुआ है, एक जेसीबी कार्य करने में लगा है, बहुत से व्यक्ति उसे देखने में लगे हैं। ये हरियाणा के लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में कार्य करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से हरियाणा की तरफ जा रहे हैं। यह बद्दी का काफी पुराना पुल है जो इस समय टूट गया, इस पुल पर हम खड़े हैं, यहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सके काफी लंबा पुल है जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को जोड़ता है, यह पुल इस समय टूट गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना लंबा आता। इस बार हिमाचल प्रदेश में 200 से अधिक पुल टूटे हुए हैं। कोई भी पुल पुराना हो जाता है तो उसका समय समय पर रिपेयर करते रहना चाहिए, या कोई बिल्डिंग है या कोई भी चीज है तो उसे समय पर रिपेयर कर देना चाहिए, और ज्यादा पुराना हो जाने पर नए पुल का निर्माण कर देना चाहिए। यह पुल 20 फीट टूटा हुआ है, इसका काफी लंबा बहाव आता था लेकिन पुल पुराना होने की वजह से, और बहुत से जगहों पर पुल टूटा है, यह एक पुल ही नहीं टूटा है, तो इसका समय पर यदि दूसरा पुल बना दिया गया तो इसकी टूटने की कम संभावना रही होती। जहाँ से 100 मीटर आगे रास्ते को बदल दिया गया है, उस तरफ से सारी गाड़ियां घूमते हुए आ रही हैं जो हिमाचल से हरियाणा की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ गाड़ियां लाइन से लगी हुई है, और जेसीबी भी यहाँ पर लगा दिया गया है काम करने के लिए। यहाँ पर एक और जेसीबी एक्स्ट्रा मंगा दी गई है ताकि रास्ते में कार्य होता रहे, यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, और रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करें। पल लेंथ होने की वजह से यहाँ पर गाड़ियां एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जल्दी से जा नहीं पा रहे हैं, और कुछ गाड़ियां एक तरफ मुड़ते समय यहां पर जाम का सामना करवाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर हिमाचल प्रदेश से हरियाणा की तरफ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं नदी में घुसते हुए ट्रैक्टर बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाम ज़्यादा लग सकता था जिसकी वजह से वो आगे से मुड़कर उधर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति पानी के दूसरे तरफ से थोड़ा रास्ता बना दिए गए हैं ताकि गाड़ियाँ आराम से निकले और वो पतले रास्ते से होकर चले जाएं। इस समय आप देख सकते हैं जल्दी से ही अब इस गाड़ियाँ पार हो जाएंगी, सभी लोग अपना कार्य करने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे भी अपने कार्य में लगे हुए, सभी भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं लेकिन बहुत से व्यक्ति आपको बैठे हुए बेरोजगार मिलेंगे। इनको और कोई काम धंधा होता नहीं है लेकिन देखने के लिए घूमने फिरने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक आपके पास है तो सजेस्ट जरूर करें।